बड़ी राहत दे दी है कि संपत्ति बेच सकता है। अब जो देखिए सहारा ने जो कहा कि एम्बार्गो लगा हुआ है, अब वो एम्बार्गो गोल, एम्बार्गो की कहानी खत्म हो गई है। अपनी संपत्ति बेच सकते हैं और उनका पैसा लौटा सकते हैं, समझ गए ना, खत्म हो गया, बड़ी राहत मिल गई है। मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए समूह को अपनी संपत्ति बेचने को कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, 2012 का वही। अब अभी तक जो था कि कोई प्रतिबंध नहीं है, आप सब्जेक्ट टू ये है नई दिल्ली सितंबर निवेशकों का पैसा लुटाने के लिए सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं, वही रिपोर्ट है जो सारे लोग बोल रहे हैं। अब कहानी यह है कि आज जो कहा गया कि अगले 30 दिन में सहारा को 1,000 करोड़ रुपया देना है। अब कह रहे हैं कि आप एक ज्वाइंट वेंचर करिए किसी भी कंपनी के साथ, आप एग्रीमेंट करिए और डेवलप करिए लैंड को, अगर लैंड वहां पर डेवलप्ड है तो डेवलप करिए और उनसे 1,000 करोड़ रुपया उठाइए। 1,000 करोड़ अगर आप कह रहे हैं कि वो जमीन जो है सो 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए की है तो आप उसको डेवलप कीजिए, 1,000 करोड़ रुपए जमाइए। ये निवेशकों के लिए खुशखबरी तो है, देखिए एक बात मानिए, कंपनी के लिए भी खुशखबरी है, निवेशकों के लिए भी खुशखबरी है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों का कोई इंटेंशन नहीं है कंपनी बंद हो जाए या कंपनी हो जाए, बिल्कुल नहीं है, कंपनी चले, निवेशकों का पैसा सुरक्षित हो जाए, तो निवेशकों के हित के लिए ये बात तो है। लेकिन कोर्ट जो दिशा निर्देश दे रही है कि 1,000 करोड़ रुपया आपसे भी सहारा इसको अकाउंट में जमा कीजिए, 10,000 करोड़ रुपया जो जमा करना था उसके लिए रास्ता तो सहारा ने ही कोर्ट को सुझाया है कि बारसुबा की जो जमीन है वो मल्टी 1,000 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है, तो लेकिन उसको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, डेवलप करके उसका वैल्यू और हो सकता है, तो बड़ी अच्छी बात है, डेवलप करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 महीने में डेवलप करिए और जेबी फाइनल करिए और 1 महीने के अंदर 1,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट कीजिए। उससे देखिए एक बात तो साबित हो जाएगी, अब ये डिपॉजिट जो होगा उसके बाद जो आपका PIL लगेगा कि यथाशीघ्र उस पैसे का निपटारा किया जाए, अभी तो डिपॉजिट हो रहा है और उसके बाद निपटारा किया जाए, सारे पैसे लौटाए जाए। तो ये अब ये बात जरूर है कि सहारा चाहे इधर से कान पकड़े चाहे उधर से कान पकड़े, सहारा में ये बात स्पष्ट हो गई है, सहारा भी पैसा देने का मूड बना रही है, चाहे जैसे भी हो सहारा भी मन बना रही है कि हमें निवेश का पैसा देना। हाँ कन्हैया जी आ गए, हाँ हाँ मुझे मालूम है कन्हैया जी आ गए, कन्हैया जी आ गए, अब सुनिए कन्हैया जी क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं मैं आपके ही तरफ से मैं भी बोल रहा हूँ कि चलिए निवेशकों को पैसा देने का अगर सहारा का मूड बन गया है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो सबसे ज्यादा खुश होऊंगा साहब। देखिए अगर कंपनी को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, कंपनी चलती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप इस बार 3-5 मत करिए। अब बताइए कोर्ट ने जो अभी ये जो राहत दी है इसका क्या होगा, 1 महीने का राहत मिल गया है आपको, 1 महीने के अंदर 1,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं लेकिन, और वो लैंड भी बिल्ड करना है आपको, डेवलप करना है, बोलिए। नहीं आज हमारी बात को सुनी गई है और लिबरली हर तरह की सॉल्यूशन की बात की गई है। अभी 2 प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दी गई है, एमबी वैली और बरसुवा की प्रॉपर्टी दी गई है, जिसमें जो वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ दिया गया है, एमबी वैली का वैल्यूएशन 5,77,000 करोड़ बताई गई है और वर्सोवा की प्रॉपर्टी 55,000 करोड़ बताई गई है। उसके बाद सब कुछ सब सुनवाई होने के बाद में सारा से भी मेन कंटेंप्ट केस है, उसमें 10,000 करोड़ जो मैक्सिमम अमाउंट 10,000 करोड़ जो और वहां पे रिमेनिंग रह गया है वो डिस्प्यूट है, शायद 7,500 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है। तो 10,000 करोड़ तक का 3 महीने के लिए टाइम दिया गया है, 3 महीने के अंदर भरना है, 1,000 करोड़ अभी भरना है 1 महीने में। और अब क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि एम्बार्गो को हटा लिया गया है, सिर्फ वहां पर 10,000 करोड़ तक ही अमाउंट जाएगा, तो अब हमारे लिए भी अच्छा हो गया है कि हम कोई भी डील करेंगे तो अब वो फंड जो है ब्लॉक नहीं होगा, यानी कि 10,000 करोड़ तक ही फंड से भी नहीं आएगा, बाकी का फंड सहारा को भी मिलेगा ताकि वो ब्रांच में भी उसका पेमेंट के रूप में यूज कर सके। तो ये अब एक अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया बात, ब्रांच भी, बहुत बढ़िया बात, ब्रांच भी एक्टिव हो जाएगा और
खन्ना साहब ने एक चीज और भी कहा है कि जो आपका फंड सहारा से भी रिफंड में जमा हो जाएगा, जो टोटल जमा होगा, जो बैलेंस आपका रहेगा, उसमें से आप भी रिक्वेस्ट दे करके और पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि सहारा से भी रिफंड में से सहारा भी उसमें से पेमेंट के लिए फंड मांग सकता है और पेमेंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में। तो ये एक जो कल जो बात हुई थी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन की ओर है। और सहकारिता मंत्रालय भी एक की जो पोर्टल है वो भी एकदम फुल फ्लेज में रेडी होने जा रही है। 5 लाख तक की पेमेंट बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, 5 लाख के ऊपर का भी आवेदन बहुत जल्द वहां शुरू हो जाएगा। तो अब कहीं से भी उस 1-2 महीने के, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हमारा ब्रांच भी एक्टिव हो जाएगा। ये हमारे लिए और पूरे सहारा के जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए और जमाकर्ता उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी सर, ये आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज सर, आवाज अभी आ रही है। ये साथ हम खड़े हैं, लेकिन आप लोगों का पैसा लौटाने की जो ये जो अगर ये जीत है तो बहुत अच्छी बात है। आप पैसा लेकर के जमीन बेच करके पैसा अगर दे रहे हैं, इम्बार्गो हट गया, आपने कबूल कर लिया, अब कोई इम्बार्गो नहीं है। 10,000 करोड़ रुपया, अच्छा 5,77,000 करोड़ का वैल्यूएशन, वाह, 6 लाख करोड़ का, 5,77,000 करोड़ का। तो एक बात तो मानना पड़ेगा भाई कि सहारा सिर्फ सर मैं बहुत अच्छे निवेश किया मैं आज के 8 दिन पहले ही बोला था सर कि सहारा की प्रॉपर्टी 5 लाख करोड़ से ज्यादा की है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन लोग मुझे क्या क्या बोल दिए, क्या क्या बोल रहे हैं, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अराजक लोगों से क्या मुंह लगना है, हम लोग मैनेजमेंट के सोच के सोच विचार रखने वाले लोग हैं। सहारा कहीं से भी पीछे नहीं है, कस्टमर का पैसा सहारा बचा करके और सेबी से लड़ करके आज वो वहां तक पहुंचा दिया है कि किसी का भी पैसा डूबने वाला नहीं है। भले सहारा जो भी एप्लीकेशन लगाया है सहारा के ऊपर कि भाई आपने बॉन्ड में से क्यू शॉप में ले गए, क्यू शॉप में से सोसाइटी में लेके आ गए, तो सहारा ये किया कस्टमर का पैसे बचाने के लिए। कस्टमर का आज सहारा को छोड़ दीजिए, दूसरे जितने भी कंपनी है ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जितने भी सेबी के पास कंपनियां गई किसी का पैसा आज तक नहीं मिला है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है सेबी का। और खैर सेबी के ऊपर भी इंक्वायरी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। पिछले 12 साल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, जेपीसी की मांग की जा रही है। हमारा भी सहारा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो भी खुल करके क्लियरली निकल करके आ जाएगा कि सहारा के साथ क्या हुआ था, सहारा श्री के साथ क्या हुआ था। चीफ जस्टिस JS जगदीश सिंह खेहर और राधा कृष्णन साहब के साथ क्या हुआ था, क्या मजबूरी थी उनको उनके ऊपर कि उन्होंने सहारा श्री को जेल भेजा था। उस दिन भी सहारा श्री ने बरसोवा की प्रॉपर्टी बैंक गारंटी के रूप में 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन उस समय भी थी, जो आज 55,000 करोड़ है, उस समय भी सहारा ने बैंक गारंटी दिया था इनको जेल मत भेजिए। लेकिन क्या वजह रहा कि उनको जेल भेजा गया था, सर एक ही वजह था, किसी भी तरह से सहारा का नाम खराब करो, कॉरपोरेट को दबाने की कोशिश की गई थी। और उसके पीछे जो भी 2 नाम है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा लेकिन वो 2 नाम भी आएंगे ये सहारा को पीछे खींचने के लिए। अगर सहारा श्री जेल नहीं गए होते तो व्लादिमीर पुतिन, बिल क्लिंटन और शेख हसीना 3 बड़े बड़े डील किए थे 2011-12-13 में। तो 2013 का डील था सर, 80,000 करोड़ का MOU साइन हुआ था। उसके साथ साथ रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है उसके साथ मीटिंग हुई थी, और बिल क्लिंटन, इसमें 2 बड़े कॉरपोरेट का हाथ है जो सहारा को पीछे खींचा है। इसकी भी ये भी बहुत जल्द पर्दाफाश होगा और इसका नाम आएगा। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोगों के पास। और जहां तक कस्टमर डिपॉजिटर का सवाल है, एक एक पैसा एक एक दिन का इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं, किसी का पैसा डूबने वाला नहीं है। आप सहारा श्री के ऊपर भरोसा रखिए, सहारा श्री देश के लिए काम करते थे, देश प्रेमी थे, देशभक्त थे, एक एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो पोर्टल से मिले कि सहारा की ऑफिस से मिले, जरूर मिलेगा।